हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिंपल में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको हम चरित्र प्रमाण पत्र या फिर आचरण प्रमाण पत्र कहते हैं, कैसे बना सकते हैं खुद से ऑनलाइन बिहार के लिए। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स जान लेते हैं कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट से ही आपके आचरण का, आपके चरित्र का पता चलता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपके नाम से कोई केस दर्ज है या नहीं, ये पता चलता है। अब बताते हैं कि इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो सरकारी वैकेंसियां निकलती हैं, जैसे आर्मी, सीआरपी, बीएसएफ, इस तरह की वैकेंसियां निकलती हैं, तो उसमें आपको आचरण प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है। कई बार आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, या फिर किसी भी अन्य काम में आपको ये अगर जरूरत पड़ता है तो आप कैसे बना सकते हैं खुद से घर बैठे ऑनलाइन। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आप बिहार के निवासी हैं और भोजपुर जिला के अंतर्गत आते हैं तो ही आप ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यदि आप बिहार के भोजपुर जिले के अलावा किसी और दूसरे जिले से हैं और आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में वो भी तरीका हम आपको बताएंगे, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आप आचरण प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। तो चलिए पहले पीसी स्क्रीन पर सीख लेते हैं ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं भोजपुर जिला वाले, और ऑफलाइन के लिए मैं बता दूंगा। तो ऑफलाइन के लिए पहले ऑनलाइन सीख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप भोजपुर पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, या फिर आप गूगल में टाइप करेंगे भोजपुर पुलिस डॉट बिहार डॉट जी ओ बी डॉट इन। ठीक है, इंटरफेस कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर, पुलिस स्टेशन, ऑनलाइन शिकायत, और यहाँ पर आपको चरित्र आवेदन दिया गया है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर चरित्र आवेदन, इस पर आप क्लिक करेंगे, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन चरित्र की स्थिति को भी आप जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। ठीक है, और यहाँ पर अपना प्रमाण पत्र का जाँच और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या क्या आपको आवेदन करना है। यहाँ पर आपका जो सा भी थाना होगा, यानी भोजपुर जिले के अंतर्गत जो भी आपका थाना नज़दीक पड़ता होगा वो थाना आप यहां पर डालेंगे। उसके बाद यहां से अपना लिंक चूज़ करेंगे, टाइटल ऑटोमेटिकली ले लेगा, जैसे हमने पुरुष यहां पर सेलेक्ट किया तो ये श्री टाइटल ऑटोमेटिकली ले लेगा आपका। आवेदक का नाम यहां पर डालेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में डालेंगे आप इस तरीके से, तो यहाँ पर ये हिंदी में ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद रिलेशन का यहाँ पर चयन करना है, पिता, पति और यहाँ पर माता। ठीक है, तो पिता अगर आप पुरुष हैं तो पिता यहाँ पर, शादीशुदा हैं तो पति, लेडीज़ हैं तो। ठीक है, उसके बाद अभिभावक, पिता का नाम डाल देंगे यहाँ पर, अगर पति आपने चूज़ किया है तो पति डालेंगे। मोबाइल नंबर डाल देंगे यहाँ पर, जिला अपना सेलेक्ट कर लेंगे भोजपुर, अन्य नहीं सेलेक्ट करेंगे, अन्य का नहीं बनेगा, और यहाँ पर अपना गाँव डाल देंगे, यहाँ पर डाकघर डाल देंगे, और यहाँ पर पंचायत डाल देंगे, यहाँ पर अगर वार्ड से होंगे तो वार्ड डाल देंगे। जन्म की तारीख यहाँ पर आप डाल देंगे, और रहने की अवधि वर्ष में आप चूज़ कर लीजिए या फिर आप अपना माह में चूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर 20 वर्ष, 30 वर्ष, जितने वर्ष से आप रह रहे हैं वो डाल देंगे। वैवाहिक स्थिति यहाँ पर डाल देंगे, आप विवाहित हैं तो विवाहित, अविवाहित हैं तो अविवाहित, इस तरीके से। अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डाल दर्ज कर देंगे, और यहाँ पर आधार संख्या डाल देंगे। उसके बाद आधार की छवि यानी स्कैन कॉपी जो 200 KB के अंदर होना चाहिए उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे, और उसके बाद अपना हस्ताक्षर करके जो 40 KB के अंदर होना चाहिए यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप अपना फ़ोटो जो है अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको किस लिए बनाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, जैसे जॉब के लिए। और उसके बाद यहाँ पर पते के दस्तावेज के लिए आप एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड, लेटर ऑफ लोकल मुखिया या रेजिडेंट सर्टिफिकेट इशू बाय सर्कल ऑफिसर दे सकते हैं। ठीक है, आवासीय भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो भी अच्छी बात है, बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। और यहाँ पर पहचान के लिए तो स्टूडेंट आईडी कार्ड, लेटर फ्रॉम लोकल मुखिया या लेटर फ्रॉम वार्ड काउंसलर, या आधार कार्ड, आधार कार्ड दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बार प्रीव्यू कर लेंगे, देख लेंगे सारा कुछ आपने फॉर्म को सही फिलअप किया है, तो उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे। मैं भोजपुर जिले से नहीं हूँ इसलिए मैं भोजपुर का ये जो है ऑनलाइन अप्लाई नहीं करूँगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर
आपको दिख रहा है ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए आपको ये फॉर्म मिल जाएगा आपके एरिए में या फिर आपका जो ज़िला होता है एसपी ऑफिस वहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर अपने आपको ज़िला का नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है। विषय यहाँ पर लिखा गया है अचल प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में, यहाँ पर आवश्यकता किस कार्य के लिए आपको आवश्यकता है, तो यहाँ पर लिख देंगे आर्मी, रैली बहाली या फिर जॉब, नौकरी सरकारी प्राइवेट जो भी होगा। अपना नाम डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे, ग्राम मोहल्ला, पोस्ट, थाना, ज़िला और मैं करीब कितने वर्षों से आप रह रहे हैं वो डाल देंगे। और एक यहाँ पर वहाँ पर एक चालान लगेगा, आप पता कर लीजिएगा अपने एसपी ऑफिस में जा करके, और 20 रुपये या 30 रुपये जो भी लगे यहाँ पर आप उसका जो है रकम लिख दीजिएगा। उसके बाद आवश्यकता किस कार्य है तो फिर से लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हस्ताक्षर कीजिएगा, दिनांक लिखिएगा, नाम लिखिएगा, पिता का नाम और यहाँ पर ग्राम मोहल्ला, पोस्ट, थाना, ज़िला, ये भर करके आपको जो है सिंपली दे देना है जमा एसपी ऑफिस में। वहाँ पर जाओगे आपका आराम से जो है भीड़ भाड़ होता है, कभी कभार एकदम भीड़ भाड़ नहीं होता है, आप जाओगे वहाँ पर जमा कर दोगे, आपका फ़ोटो क्लिक कर लिया जाएगा और फिर आपका जो है ये प्रोसेस में लग जाएगा। नज़दीकी थाने में आपको एक वेरिफिकेशन आएगा और वेरिफिकेशन के माध्यम से जो है आपका पता किया जाएगा रिपोर्ट कि आपके नाम से कोई केस वगैरह तो दर्ज नहीं है। उसके बाद आपका जो है आचरण प्रमाण पत्र निर्गत करके दे दिया जाएगा। इसके साथ आप दस्तावेज ले जाना जरूर जो है आवश्यक है। दस्तावेज में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और मैट्रिक का सर्टिफिकेट वगैरह लेकर जाइएगा और एक मुखिया या वार्ड पार्षद से लेटर भी बनवा लीजिएगा, ठीक है, आचरण पत्र निर्गत करने के संबंध में। तो इससे पता चलता है कि आपको जो वार्ड का मुखिया है या जो वार्ड सदस्य या ग्रेजुएट ऑफिसर है वो आपको जानता पहचानता हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट टॉपिक के साथ, तक विदा दीजिए, टेक केयर एंड बाय बाय।